हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम दोस्तों। मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं उषा की डोमेस्टिक मोटर के ऊपर। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स कार्टून ही देख लेते हैं, इसके बॉक्स को देखते हैं। इसके बॉक्स को पहले आप देख लीजिए, जैसे पहले ही आप देखेंगे लिखा रहेगा यहाँ पर कि ये डोमेस्टिक मोटर है। कमर्शियल काम करने के लिए दूसरी मोटर होती है, वो हैवी ड्यूटी मोटर होती है। ये अपनी घरेलू मशीन जो हम लोग के हर घर में जो है घर के काम करने के लिए जो मोटर मशीन होती है उसी में लगाई जाती है ये मोटर। ये घंटे दो घंटे काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप देखेंगे 1 ईयर वारंटी लिखी होती है, तो जब आप दुकान से कहीं से लेते हैं तो 1 साल वारंटी मिलेगी, पर जब इसको ऑनलाइन सेल किया जाता है दूर दराज क्षेत्र में मशीन ये चली जाती है तो इसमें कोई वारंटी आपको नहीं मिल पाएगी। और ये आप देखेंगे कॉपर वाइंडिंग होती है, इस पर लिखा होगा हैवी ड्यूटी कॉपर मोटर, और बे आवाज़ मोटर होती है, वही आगे लिखा है स्मूथ रनिंग। तो पावर सेवर मोटर होती है फ्रेंड्स, 110 वाट ये आपकी बिजली लेती है, और इसकी जो स्पीड है आप देख रहे हैं 6000 RPM यहाँ लिखी हुई है। तो स्पीड इसकी जो होती है कम होती है, घरेलू मशीन के हिसाब से इसकी स्पीड देती है, और जो 6000 RPM भी बहुत ज़्यादा होता है। जो अपनी कमर्शियल मोटर होती है जो अम्ब्रेला और पिको मशीनों में चलती है उसमें RPM 8000 के आसपास होता है। MRP इस पे लिखी रहती है 1590, पर और कम में आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पैकिंग बहुत अच्छी दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसकी पैकिंग पे भी मैं खोलूँगा। थर्मोकोल पैकिंग होती है, बहुत अच्छी है। 3-पिन प्लग होता है इसका। वार्निशिंग इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर बेक की, जो सबसे बेस्ट वार्निशिंग आती है वो इसमें दिया हुआ है कंपनी। अब हम लोग इसको खोलते हैं फ्रेंड्स, खोलिए। ये इनका मोटर होता है, ये थर्मोकोल में आती है। ये बड़ी अच्छी पैकिंग होती है कि इसलिए आप कहीं पे भी इसको मंगवा सकते हैं और कोई तरह का डैमेज नहीं होता है जाने में। बहुत खूबसूरत है, ब्लैक कलर पे एकदम दिया हुआ है, और पेंट भी जिसका जो है ना पाउडर कोटेड पेंट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पेंट है दिए हुए हैं। 110 वाट और जो दिल्ली वाली मोटर आती है इसके अंदर 1000 रुपये के आसपास, उससे तो बहुत अच्छी मोटर है। इसका शेप भी बहुत अच्छा है और वायरिंग वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त दिया है, और उषा का आप देखिए यहाँ पे नाम ढला हुआ है इस पर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। ये कार्बन वाली मोटर होती है फ्रेंड्स, इसमें छोटा कार्बन लगता है, ये ख़त्म हो जाएगा जब कार्बन तो मोटर चलना बंद हो जाएगी, जिसको आप खोल करके नया कार्बन इसमें लगा लीजिए। यही साइज़ ही कार्बन रहेगा छोटा साइज़ का, देखिए छोटा साइज़ का कार्बन इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल भी रहा है, और ये इसका एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्योंकि खोलने करने में ख़राब हो जाता है, तो एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा। बेल्ट आपको मिल जाएगी और एक नट है जिससे ये मोटर आपकी मशीन में कसा जाएगी। इसको मोटर कैसे कसते हैं मशीन के अंदर फ्रेंड्स, इसके लिए एक हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कोशिश करूंगा कि उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप देख सकें। तो मोटर भी बहुत अच्छी वज़न है, अच्छा वज़न है इसका, और उसी तरह रेगुलेटर भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है, भारी रेगुलेटर है। जैसे आते हैं बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का है, शानदार डोमेस्टिक मॉडल का रेगुलेटर है। वायरिंग ये 3-पिन का वायर दिया हुआ है, जैसा कि कार्टून पे आप देख रहे थे लिखा था, ये 3-पिन का वायर है, ये आपका इसी में लग जाएगा और ये आपका मेन सॉकेट में लग जाएगा।
पूरा चीज़ है टर्म्स कंडीशंस पे लिखी हुई है वारंटी कार्ड पे। अगर आपको वारंटी चाहिए तो किसी दुकानदार से आप लें जाके, जो उषा के डीलर हों आपके तरफ, तो वहाँ से आप लेंगे तो कल को बिगड़ेगा तो वहाँ पे आपको बन के मिल जाएगी फ्रेंड्स। पर ऑनलाइन में अगर आप लेंगे तो कंपनी का कोई टोल फ्री से सर्विस नहीं है, तो अगर आप ऑनलाइन कहीं से दूर से मंगाएंगे मोटर तो प्रॉब्लम होने पे फिर आपको अपने खर्चे से बनवाना पड़ेगा, फिर वन ईयर वारंटी के आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए चला दीजिए अब मोटर, ज़रा फ्रेंड्स हम लोग चला के भी देख लेते हैं। हाँ ये आसानी से ज़रा इसका घाट भी दिखा दीजिए। ये जी हाँ एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ जैसा कटा हुआ है इसी हिसाब से यहाँ बना हुआ है, तो इसी हिसाब से अगर आप इसको उल्टा करके लगाएंगे तो नहीं बैठेगा। चलिए लगा दीजिए इसको। देख रहे हैं आवाज़ एकदम मीठी आवाज़ है, बड़ी मोटर जो होती है ना उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है और जो डोमेस्टिक मोटर होती है इसमें आवाज़ कम रहेगी। और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए आप जो है डोमेस्टिक ही मोटर लें, क्योंकि बड़ी मोटर अगर आप लगा देंगे फ्रेंड तो वो इतना झटके से चलेगी मोटर ना कि आपके मशीन के पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, इसलिए डोमेस्टिक मोटर ही लगवाएं। इसमें हम लोग स्पीड भी चेक करते हैं कितनी स्पीड है, क्लियर रहिएगा। ये एक स्पीड हुई फ्रेंड्स, ये दो स्पीड यहाँ पर बता रही है। ये पहली है जी, हाँ दो स्पीड है फ्रेंड, लेकिन उसको चलाने का यही तरीका होता है कि आप बस इसको थोड़ा सा ऐसे दबाइए छोड़ दीजिए। इसको ऐसे ऐसे आप जब दबा के छोड़ते जाते हैं ना फ्रेंड्स तो मशीन बहुत तेज़ नहीं भागेगी और कंट्रोल में आपकी रहेगी। और अगर आप इस पे पैर रख के दबा देंगे ऐसे ना तो इतनी तेज़ भागेगी कि फिर आप मशीन रोक ही नहीं पाएंगे और फिर चक्के वगैरह में आपकी उंगली फंस गई तो बहुत चोट भी लग जाती है। इसलिए जब भी चलाएं बस ये ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे चलाते रहिए। बहुत अच्छी है, साउंडलेस आवाज़ तो एकदम ना के बराबर है मोटर में, और इससे आपकी डोमेस्टिक जो मशीन होगी वो ख़राब भी नहीं होगी। अगर बड़ी मोटर आप लगा देते हैं 1/12 हॉर्स पावर की तो उससे डोमेस्टिक मशीनें आपकी बहुत तेज़ ख़राब होगी, सामान बहुत कटेंगे। और अगर आपको ये मोटर को अम्ब्रेला मशीन में लगाना है, पिको मशीन में लगाना है, तब आप इस मोटर का इस्तेमाल ना करें फ्रेंड्स। फिर उसके लिए बेहतर ये है कि बड़ी मोटर लगाएं। अम्ब्रेला में तो ये मोटर चल भी जाएगी क्योंकि अम्ब्रेला मशीनें बहुत हल्की होती हैं, पर पिको मशीनें थोड़ा टाइट होती हैं, इसलिए आप ये मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो मोटर ख़राब हो जाएगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम आए, आपको पसंद आए। शुक्रिया।